सभी को नमस्ते। तो अभी तक जितनी बात हुई हम लोगों ने ज्ञान के ऊपर चर्चा की, इसमें मानव का ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण का ज्ञान, इन तीन मुद्दों पर हमने विस्तार से अध्ययन किया। उसके आधार पर किस तरह सेल्फ में मानव लक्ष्य निश्चित होता है, उसको हम लोगों ने विवेक के रूप में अध्ययन किया। और अब हम इसके आधार पर क्या विज्ञान हमारे कल्पनाशीलता में तैयार होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो हम लोग अब विज्ञान की बात करेंगे। विज्ञान की जब बात करेंगे तो हम व्यवहार का विज्ञान, कार्य का विज्ञान, भागीदारी का विज्ञान, इन सब पे बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग व्यवहार के विज्ञान पे बात करेंगे। इसमें जो मूल वस्तु है उससे आप अवगत हैं, उसको अभी हम थोड़ा सा बस फैला कर देखेंगे। जी, तो हम लोग विज्ञान पे चर्चा करने वाले हैं और ये 9 बिंदु हैं समाधान के। ज्ञान और विवेक पे चर्चा पूरी हो चुकी है। कल हम लोगों ने विवेक की चर्चा को लेकर असाइनमेंट भी लिया था, किस चीज को हम अपने आप में देखें। और मानव लक्ष्य को हमने 2 तरीके से रखा था, एक तो समाधान, समृद्धि, अभय और सहस्तित्व। ये एक विधि है मानव लक्ष्य को देखने की, यानी हम में जो ज्ञान के आधार पर स्पष्टता बनती है इच्छा के स्तर पर, उसको विवेक कहा, और वो इस रूप में दिखाई देता है। एक दूसरा तरीका जो परंपरागत रहा है, उसको अगर देखें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस रूप में दिखाई देता है। तो इस अर्थ में हमें देखना था कि क्या हम अपने लक्ष्य को भी इस रूप में देख पा रहे हैं कि नहीं। समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व और वैसे ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस रूप में हम देख पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम अपने जीने को देखें तो जो ज्ञान का पक्ष है ब्लॉक B1 में है, जहां से मानव का लक्ष्य निश्चित होता है, और ज्ञान और विवेक यहाँ से निश्चित होता है। अगर विचार के आयाम में देखें, यानी जो कल्पनाशीलता का आयाम है, तो एक बार हमारे अंदर लक्ष्य का निर्धारण हो गया इच्छा के स्तर पर, तो फिर उसके आधार पर ही आगे की कल्पनाशीलता तैयार होती है। तो विचार में हम विश्लेषण करते हैं, विचार में हम तुलन करते हैं, और फिर जो भी हम तुलन विश्लेषण करते हैं उसके साथ एक आस्वादन हमें मिलता है, और उस आस्वादन के साथ हम फिर चयन करते हैं, और ये सारा कुछ कल्पनाशीलता में चल रहा होता है। यानी इसको पूरा कैसे करें, है ना, विज्ञान में हम इस बात को देखते हैं कि इसको पूरा कैसे करें मानव लक्ष्य को। तो मानव लक्ष्य को हम लोगों ने एक एक स्तर पर भी फैला के देखा था कि व्यक्ति के स्तर पर लक्ष्य क्या बनेगा, परिवार के स्तर पर लक्ष्य क्या बनेगा, समाज के स्तर पर लक्ष्य क्या बनेगा, प्रकृति के स्तर पर लक्ष्य क्या बनेगा। अब इसको जब पूरा करने जाते हैं तो उसमें विज्ञान जुड़ता है। तो जैसे हम जो भी योजना बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, ये सारा कुछ कहाँ होगा, कल्पनाशीलता में ही होगा, है ना, उसी को विज्ञान नाम दे रहे हैं। जैसे अभी हमें दिखता है कि मानव लक्ष्य का समाज में पूर्ति होना आवश्यक है, तो उसके लिए शिक्षा पे काम होना आवश्यक है। शिक्षा पे काम करने के लिए मूल्य शिक्षा की वस्तु शिक्षा में समावेशित होना जरूरी है, और सिर्फ एक अलग से कोर्स क्यों चले, पूरी पूरी जो शिक्षा है उसका मूल्य निर्धारित होना आवश्यक है, और सिर्फ क्लासरूम टीचिंग तक ही क्यों शामिल हो, हमारे जीने में शामिल हो जाए, इसलिए मूल्य आधारित जीना सुनिश्चित हो जाए। और मूल्य आधारित जीना सिर्फ एक संस्थान में क्यों हो, संस्थान के आस पड़ोस पूरे समाज में फैले, इसलिए एक स्वराज योजना पे काम होना जरूरी है। तो इस तरह से हम उसके पूरे जो लक्ष्य निर्धारण हुआ उसको पूर्ति के लिए योजना कार्यक्रम बनाते हैं। अब जो लोग पहले से ही मतलब जो लोग शिक्षा से गुजर चुके हैं उन तक वस्तु नहीं पहुंची है, उन तक वस्तु कैसे पहुंचे, हुआ कि उसके लोक शिक्षा पे काम करेंगे। जो अन्य आयाम है समाज के, है ना, न्याय का आयाम है, स्वास्थ्य का, उन पे कैसे काम होगा। जब स्वराज पे काम करेंगे उन सारे आयामों पे भी काम करेंगे। एक तो जो भी बाकी आयाम है उसमें भी काम करने वाले लोग किसी न किसी शिक्षा पद्धति से गुजरेंगे, तो वहां पे वस्तु को रखेंगे, और साथ में फिर जब वो वास्तव में समाज में जाकर जी रहे होंगे, परिवार सहित रहते हुए समाज में भागीदारी कर रहे होंगे, तो भी उन तक वस्तु पहुंचाई जाए। जो कुछ अपराध कर बैठे हैं, है ना, जो मूल्य नीति चरित्र के आधार पर नहीं जिए, अपराध कर बैठे, बट उनकी चाहना तो ठीक है, तो उन तक वस्तु कैसे पहुंचे, उसके लिए हम क्यों ना जेल में शिविर करेंगे। अब ये सारा कुछ जो हमारी कल्पनाशीलता में तय हो रहा है। अब शिक्षा में भी, मूल्य शिक्षा में अगर हम इसको लेकर जा रहे हैं, तो कैसे शिक्षक अधिक से अधिक कम से कम समय में तैयार हो, कैसे उनकी स्पष्टता और अच्छे ढंग से बन पाए,
उसके लिए फिर हम और उसमें विज्ञान लगाते हैं, है ना। क्लासरूम टीचिंग तो हो ही, वर्कशॉप्स भी हो, वर्कशॉप्स बार बार किए जाएं, कई लेवल्स के वर्कशॉप हो, फिर वर्कशॉप क्यों हो, मीटिंग्स भी हो, है ना। मीटिंग भी सुबह, दोपहर, शाम, जिस समय भी अवसर मिले तभी हो। उसमें मॉर्निंग सेशन स्टार्ट हो गया, उसमें दोपहर में जो हम लोग मतलब 9 से 5 जो वर्कशॉप करते हैं वो भी तैयार हुआ। स्टूडेंट्स के लिए ऐसा लगा कि भाई दिन में तो अवेलेबल नहीं है, तो क्यों ना शाम का वर्कशॉप किया जाए, छुट्टी के दिनों में क्यों ना मीटिंग्स की जाए, क्यों सिर्फ फैकल्टी के लिए हो, क्यों ना स्टाफ के लिए भी हो, मैनेजमेंट के लिए भी हो। अब ये सारा कुछ तय हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, यही विज्ञान है। तो ये है ना Block B2 में ये काम हो रहा है। और फिर जैसा हम Block B2 में तय करते हैं वैसा उसका एक्सप्रेशन में जाता है, हमारे व्यवहार में, कार्य में। तो ये जो विचार में लक्ष्य निर्धारण के साथ जो एक निश्चितता बनी कि जो भी विचार करेंगे मानव लक्ष्य के अर्थ में करेंगे, जो भी विचार करेंगे मानवीय परंपरा के अर्थ में करेंगे, इससे संस्कृति तैयार होती है। तो विचारों की संस्कृति होती है। तो 4 शब्द हैं, विधि, संस्कृति, सभ्यता और व्यवस्था। तो जो ज्ञान और विवेक में तय हुआ वो विधि हो जाती है, जीने की यही विधि है। सुविधा की आवश्यकता सीमित होती है ना, उसके लिए अपना सब कुछ सर्वस्व लगा देना अनुचित है। विधि क्या है, ज्ञान के लिए, ज्ञान सर्वोपरि है, ज्ञान को पहली वरीयता देकर उसमें अपना शरीर यात्रा लगाना, उसके लिए शरीर को साधन के रूप में प्रयोग करना, उसके लिए सीमित सुविधा का उत्पादन करना और उसका न्यायपूर्वक एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करने के अर्थ में निर्वाह करना, ये विधि बनी है ना। उसके आधार पर जो संस्कृति बनती है कि हम सोचते कैसे हैं इन सब चीजों को लेकर, भिन्न भिन्न स्थान पे, भिन्न भिन्न समय पे, है ना, भिन्न भिन्न आयु वर्ग के लोग कैसे सोचते हैं, तो वो संस्कृति बनती है। और फिर जब वो जीने में जाता है तो सभ्यता बनती है, हमारा व्यवहार, हमारा कार्य करने का तरीका, नहीं सभ्यता बनती है। और उससे फिर समाज की व्यवस्था बनती है। तो अभी भी हम देखें तो किसी रूप में व्यवस्था बनी हुई है, सभ्यता का एक कोई प्रारूप बना हुआ है, वो पूरी तरह से सहज रूप से स्वीकार हो ना हो, तो सभ्यता का एक प्रारूप बना हुआ है, संस्कृति एक बनी हुई है और उसके आधार में हमने कुछ स्वीकारा हुआ है ना। वो जो अस्तित्व की विधि है उसके अनुसार हो या उससे भिन्न हो, बट कुछ हमने वहां स्वीकारा हुआ है। तो जो हमारे कल्पनाशीलता में ज्ञान के स्तर पे काम हो रहा है वही संस्कृति बन जाती है, और वही जब जीने में जाती है तो सभ्यता और व्यवस्था बन जाती है। जी, तो व्यवहार कार्य की सीमा में देख रहे हैं तो सभ्यता है, और उसको अगर हम फैल कर सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में देखें तो व्यवस्था है। तो हमें दिखता है कि अस्तित्व सहअस्तित्व है, इकाइयां शून्य में संपृक्त है, इन इकाइयों के समूह को प्रकृति कहा, और इसी प्रकार पूरी प्रकृति जो 4 अवस्थाओं में है व्यवस्था में है। प्रकृति की हर इकाई स्वयं ऊर्जित है, क्रिया है, दूसरी के साथ क्रियाशील है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, नियंत्रित है, और इस प्रकार से इकाई अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। तो हर इकाई प्रकृति में स्वयं में व्यवस्था है और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। तो जब मैं अपने आप को इकाई के रूप में देखता हूँ और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी को देखता हूँ, तो मुझे 2 प्रकार से संबंध दिखाई देता है। एक तो चैतन्य का चैतन्य से संबंध, एक चैतन्य का जड़ से संबंध। तो उसको जब निर्वाह के स्तर पे देखेंगे, जब मैं मानव के स्तर पे निर्वाह कर रहा हूँ तो व्यवहार है और कार्य है, और उसमें अपेक्षा यह है कि परस्पर पूरकता हो, व्यवहार में भी परस्पर पूरकता हो, कार्य में भी परस्पर पूरकता हो। जी, तो मानव लक्ष्य की पूर्ति कैसे करें, तो इसमें हम अपना विचार भी लगाते हैं, चयन आस्वादन की क्रिया के स्तर पर भी काम करते हैं, और फिर उसके अगर डिटेलिंग की जाए तो इसमें व्यवहार का विज्ञान भी होता है। जैसे मूल्य में ये निश्चित हुआ कि सम्मान का भाव ही मुझे सहज रूप से स्वीकार होता है, दूसरे को सहज रूप से स्वीकार होता है। अब मूल्य में उस मूल्य का मुझे चिंतन हुआ, उस चिंतन के आधार पर मेरे अंदर जो लक्ष्य तय हुआ कि जब हर मानव हर दूसरे मानव के साथ विश्वास सम्मान के साथ निर्वाह करता है, समाज में सहज रूप से अभय होता है, तो अभय का लक्ष्य तय हुआ ना। विश्वास का भाव ही समाज में व्यवस्था का आधार है, वो मुझे दिखाई दिया। तो फिर मैं अब उसके साथ मैं अपने व्यवहार के विज्ञान को तय करता हूँ कि अगर दूसरे व्यक्ति से व्यवहार करो मैं क्या भाषा बोलूँ,
मैं नमस्ते करूंगा, है ना, एक्स वाई जेड बोलूंगा, अल्फा बीटा गामा बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि नहीं, तो उसमें हमारा साइंस लगता है। मैं पैर छूंगा, हाथ मिलाऊंगा, सर पे हाथ फेरूंगा, कमर से झुक जाऊंगा, शरीर के 8 अंग जमीन पे लगाऊंगा, क्या करूंगा मैं। तो व्यवहार का ये विज्ञान बनता है ना, कि कैसे इसको हम दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो कैसे संबंध में न्याय सुनिश्चित है। तो ये तो एक एक्सप्रेशन की एक छोटा भाग हुआ, परंतु हमें देखना है कि जिस प्रकार से भी हम विचार कर रहे हैं तो हमारे निर्वाह से अल्टीमेटली उभय सुख निकल कर आए। मैं भी सुखी हूँ, दूसरा भी सुखी हूँ, और ये उभय सुख व्यक्ति व्यक्ति संबंध से फैलकर पूरे समाज, पूरे व्यवस्था में जाए, है ना, पूरे विश्व परिवार तक जाए। तो फिर हम व्यवहार के विज्ञान पे भी काम करते हैं, कार्य के विज्ञान पे भी काम करते हैं, कि कैसे हम शेष प्रकृति के साथ पूरकता का निर्वाह करें। जैसे अगर आप आदिवासी क्षेत्रों में जाएं, पुराने क्षेत्रों में, तो आप पाएंगे कि घर की लिपाई से पहले सड़क की लिपाई होती है, और सड़क की लिपाई भी इस विधि से होती है कि आप देखेंगे जो कलाकृति घर पे बनी हुई वही सड़क पे बनी हुई है, बीच में, है ना, किनारे बनी हुई है, उसको सफेद पट्टी बनाई जाती है, सड़क पे भी घरों बनाई जाती है, भले घर मिट्टी के हो। तो परंपरागत ढंग से भी देखें तो हमने ये स्वीकारा हुआ है कि ये जो शेष प्रकृति है इससे भी मेरा संबंध है, ये जो सड़क है ना, इससे भी मेरा संबंध है। अगर हम घर की लिपाई करते हैं तो सड़क की लिपाई करते हैं, घर को साफ सुथरा बनाते हैं तो सड़क को भी साफ सुथरा बनाते हैं। ट्रेडिशनली हम ऐसा करते ही रहे, परंतु आप पाएंगे जैसे ही अगर वो सड़क के निर्माण में हमारी भागीदारी न रही हो, बाहर से कोई एजेंसी आती है, सड़क बना के चली जाती है, नाली बना के चली जाती है, तो हमें उससे संबंध दिखना बंद हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि अपने घर को साफ करते हैं, सारा कचरा निकाल कर सड़क में और नाली में फैला देते हैं, फिर जब बारिश आएगी तो नाली जाम हो जाएगा, नहीं, सड़क गंदा हो जाएगा। तो अभी आप देखें कि जहाँ जहाँ मेटालिक रोड्स बन गए गाँव में और सरकार ने बना दिए, लोगों को उसके साथ अपना संबंध नहीं दिखाई देता, फिर उसको जो भी घर की गंदगी होती है उसको निकाल के बाहर फैला देंगे। जबकि अगर हम उस पूरे परिवेश के साथ अपने संबंध को देखते हुए काम कर रहे हैं, तो फिर हम घर का भी उतना ही ध्यान रखते हैं जितना सड़क का ध्यान रखते हैं, सड़क का भी उतना ही ध्यान रखते हैं जितना घर का ध्यान रखते हैं। तो हमें एक संबंध दिखाई देता है शेष प्रकृति के साथ भी। हमारे यहाँ परंपरागत ढंग से रहा है कि खाना बनेगा तो पहला जो रोटी है ना, वो गाय अगर पाली हुई है तो गाय को जाएगा, और आखिरी जो रोटी है वो कुत्ता जो हमारे किसी न किसी रूप में काम आता है उसको जाएगा। तो शेष प्रकृति के साथ भी, चिड़िया है तो चिड़िया के लिए दाने डालना, पानी रखना। अभी भी आप पाएंगे कई जगहों पर मैं देखा कि लोग सड़क के किनारे एक हौद सा बना देते हैं जिसे पानी भर देते हैं ताकि गाय पशु उसमें पानी पी पाए। तो ये भी एक विज्ञान है। वैसे ही हम रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, आइडियाज को इंक्यूबेट कर रहे हैं, इस प्रकार से कर रहे हैं कि हमारी आवश्यकता ठीक से पूरी हो ताकि हम समृद्धि के भाव के साथ जी पाए। तो शेष प्रकृति के साथ भी जो हमारा संबंध है उसकी पूर्ति कैसे हो ताकि हम समृद्ध महसूस करें और शेष प्रकृति में भी संवर्धन हो, संरक्षण हो, सदुपयोग हो, यानी सुरक्षा हो, ये कार्य का विज्ञान है। और फिर यदि बड़ी व्यवस्था की बात करें तो सोसाइटी के जितने भी सिस्टम्स हैं या डायमेंशंस हैं वो कैसे सुचारू रूप से ऑपरेट करें ताकि स्टेप बाय स्टेप पूरे विश्व में व्यवस्था बने। परिवार उसमें एक मूल इकाई है इस पूरे विश्व परिवार व्यवस्था की, और कैसे परिवार परिवार आपस में जुड़े, इसका भी विज्ञान है ना। परिवार के अंदर भी विज्ञान है, परिवार के बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिस पर निर्णय लेना होता है, तो हम साथ बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसका समय तय करते हैं, विधि तय करते हैं। नहीं, वैसे परिवार समूह में मुद्दे होते हैं, परिवार समूह में बैठकर हम आपस में संवाद करते हैं, वैसे ही जो प्रतिनिधित्व होता है धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो इसका पूरा विज्ञान है कि प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे, कैसे परिवार समूह की आवश्यकताओं को ठीक से पहचाना जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा, कैसे परिवार समूह के ऊपर जो समूह है उसकी आवश्यकताओं को ठीक से पहचाना जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा, कैसे हर व्यक्ति की न्याय सुलभ होगा, कैसे विनिमय ठीक प्रकार से होगा, कैसे धरती के किसी भाग में अगर मनुष्यों की आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है तो उन तक हम पहुंच पाएंगे, है ना। तो हम पूरे सार्वभौम व्यवस्था को ध्यान में रखकर
वहां पे नीति निर्धारण करते हैं। ये पूरे व्यवस्था में भागीदारी का विज्ञान है, और इसमें हम योजनाएं बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, उसको फल परिणाम को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं, फिर मूल्यांकन द्वारा वापस जाकर फिर योजनाओं में परिवर्तन लाते हैं, फिर कार्यक्रम बनाते हैं, सो ऑन ऐसा करते रहते हैं। ये एक सामान्य सा कार्यक्रम है जो हम कर रहे होते हैं। यही अगर इसके आधार में मानव लक्ष्य हो जाए, उसके आधार में ज्ञान विवेक हो जाए, ठीक, तो ये ठीक ढंग से चलेगा। तो कार्यक्रम तो अभी भी बना रहे हैं, योजना अभी बना रहे हैं, इतनी सारी योजनाओं पर काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति कोई ना कोई योजना में शामिल है, उसके आधार में ज्ञान और विवेक और जुड़ जाए तो वो सफल हो जाए। तो हम कल्पनाशीलता में पहले से ही एक्टिव हैं, उसके मूल में जो अनुभव का आयाम है वो जागृत हो जाए, चिंतन बोध अनुभव जागृत हो जाए, तो वही योजनाएं जो बना रहे हैं अब सही विधि से बनाएंगे। जहाँ किसी प्रति विरोध के भाव को रखकर योजनाएं बनाते हैं या शोषण संग्रह के लिए योजनाएं बनाते हैं, अब उभय सुख उभय समृद्धि के लिए योजनाएं बनाएंगे, है ना, उसी के लिए कार्यक्रम करेंगे, उसी के लिए क्रियान्वयन करेंगे, है ना। जो फल परिणाम होंगे उसको हम अपने लाभ हित प्रिय के अर्थ में ना देखकर उभय सुख उभय समृद्धि के अर्थ में देखेंगे, और फिर उसका हम मूल्यांकन भी करेंगे, और अगर कहीं शेष रह गया तो उसको फिर हम वापस जाएंगे और अपने ऊपर काम करेंगे, व्यवस्था के ऊपर काम करेंगे। तो ये सारा कुछ दिखाई देता है विज्ञान के रूप में। जी, इतनी बात को लेकर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। अब अगर हम इस विधि से जिए तो मानव के साथ तो हम न्यायपूर्वक जी ही पाएंगे, और जो न्यायपूर्वक जीने की हमारी अर्हता विकसित होगी वो तो परिवार से विश्व परिवार तक जाएगा, और उसका एक नेचुरल आउटकम है अखंड समाज। तो हम अभी भी देखना शुरू करें कि हमारे आचरण में अखंडता आई है कि नहीं, कितनी अखंडता से हम जी रहे हैं या कितने खंड खंड होकर हम जी रहे हैं। तो हम जो व्यवहार कर रहे हैं, है ना, परिवार में ही हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई के भी बच्चे हैं, ठीक है, तो हम अपने बच्चे के साथ, अपने भाई के बच्चे के साथ जो निर्वाह कर रहे हैं उसमें अखंडता है कि नहीं, अपने पेरेंट्स के साथ और अपने स्पाउस के पेरेंट्स के साथ जो निर्वाह कर रहे हैं उसमें अखंडता है कि नहीं, या कहीं ना कहीं भेद हो जाता है, कहीं ना कहीं अन्याय हो जाता है, कहीं ना कहीं अपना पराया का भाव आ जाता है। इसको यहां से देखना शुरू करें, ये जितना ठीक से देखेंगे उतना अखंडता के लिए हमारी योग्यता बढ़ेगी, समाज में अखंडता में निर्वाह करने के लिए। और ये जो योग्यता बढ़ेगी तो इस पे जो हमको काम करना होगा अपने ऊपर, उससे हमको दूसरे के प्रति भी एक करुणा का भाव आता है। तो हम भले ही आज के दिन समाज को लेकर बहुत सारी शिकायतें करते हैं, भाई देखो समाज में इतनी खंड खंड में बटा हुआ है, इतना अपराध हो रहा है, इतनी हिंसा हो रही है, इतना युद्ध की संभावना बनी हुई है। अब जब हम अपने अंदर इस अखंडता पे काम करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे जेन्युइन प्रश्न खड़े होते हैं, उस पर जब ठीक से ये काम करते अपनी योग्यता को बढ़ाते हैं तो जो समाज में लोग जी रहे हैं उनकी भी समस्या समझ में आती है, और उनके प्रति उदारता का भाव बनता है कि ठीक है इनको भी समय दिया जाए समझने के लिए, उन तक सही प्रस्ताव पहुंचाया जाए। तो हम अखंड समाज के अर्थ में फिर अपने पूरे विज्ञान को लगाते हैं। हाँ, ये हम एक परिवार में भी रहते हैं या और बड़े समूह की बात करें तो जब समूह में रहते हैं तो वहाँ अलग अलग मान्यताएं भी होती है। जब तक हम चिंतन बोध और अनुभव की जो बात कर रहे हैं उस प्रोसेस में सब लोग नहीं होते हैं, तो कई बार अलग अलग मान्यताओं के लोगों के साथ जब हमें कुछ डिसीजन लेना होता है तो वहाँ पे थोड़ी समस्या आती है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में रात को एक घटना हुई थी कि हॉस्टल में कुछ बच्चे नॉनवेज खाते हैं, अब वो नॉनवेज लेके आ जाते हैं और खा लिया उन्होंने, और जो बचा हुआ है जनरली हमारा जो खाना बचता है हम कुत्ते को या गाय को देते हैं, ऐसे उन्होंने कुत्तों को दे दिया। अब इस पे कॉलेज प्रशासन जैसे ऑब्जेक्शन लेता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। बच्चों से बात करते तो बोलते सर कि खाना सभी खाते हैं, हम काफ़ी बच्चे खाते हैं और जो बचता है वो हमें से ही डालते हैं, लेकिन ये नोटिस में आया है तो एक तरह से एक्शन की बात होती है। तो इस तरह की जब समस्याएं आती है तो हम जब बीच में है, प्रशासन के भी प्रशासन की तरफ से भी काम करना है, बच्चों की बात भी सुननी है, तो कई बार कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। बच्चे बोलते हैं सर ये तो खाना तो सभी खाते हैं, कुछ लोग वेज खाते हैं, कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं, हॉस्टल में ज़्यादातर बच्चे नॉन वेज खाते हैं, तो ऐसे में प्रशासन का होता है कि ये गलत है इसको रोका जाए, तो इनके बीच में हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। इसीलिए कहा कि विज्ञान के आधार में विवेक है, विवेक के आधार में ज्ञान है,
बारे में ज्ञान तो हो कि पेड़ पौधे क्या है, पशु पक्षी क्या है, मनुष्य क्या है, तो क्या है बच्चों को अगर ये क्लियर नहीं है कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए जी, तो भले ही हम उनको रोक दें किसी विधि से, बट उनके अंदर इच्छा तो बनी रहेगी उसके लिए, और उसके लिए फिर कोई ना कोई तरीका निकालेंगे जी। तो अभी अगर हम हॉस्टल में बच्चों के साथ समझ के स्तर पे काम ना करें और ऐसे नियम बनाते रहें तो ऐसी उलझने बनी रहेंगी। आपने नॉनवेज को रोक दिया, अब बच्चा शराब पी रहा है, अब अगर शराब क्यों ना पिए, इसमें तो कोई मैं हिंसा भी नहीं कर रहा जी, तो फिर कैसे रोकेंगे इसको, तो ये सब इश्यूज बने रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि अगर हॉस्टल की जिम्मेदारी है तो आप हॉस्टल में समय लगाए, उन बच्चों के साथ 2 घंटे 2.5 घंटे हर दिन समय लगाए, प्रशासन से बात करें कि हमें सिर्फ नॉनवेज रोकने का लक्ष्य नहीं है, इन बच्चों के अंदर सही भाव सही विचार तैयार हो जिसके लिए सही समझ की आवश्यकता है, ये लक्ष्य है, उनका आचरण निश्चित हो ये लक्ष्य है। इसके लिए हमें एक बृहद कार्यक्रम बनाना होगा, सिर्फ नॉनवेज रोक देने से काम नहीं चलेगा। अब आपने नॉनवेज रोक दिया, बच्चे ने कहा कि अब मैं तो ये नहीं ये खा रहा हूँ, इसको तो नॉनवेज नहीं कहेंगे जी, है ना, या मैं जंक फूड ला के खा रहा हूँ, इसमें आपको क्या समस्या है, भले उससे स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मैं ड्रिंक कर रहा हूँ इससे आपको क्या समस्या है, तो आप कितने भी इस तरह के नियम बनाएंगे अगर विज्ञान के आधार में विवेक और ज्ञान नहीं है तो ये समस्या बनी ही रहेंगी। इसलिए बच्चों के साथ पहले समझ के स्तर पर काम करना जरूरी है जी। लेकिन भैया इमेज क्योंकि नहीं भैया, जैसे अब ये जिन परिवारों से ये आते हैं उनकी आदत बनी हुई है, अभी इस पे काम कर रहे हैं, काम शुरू भी कर दिया, लेकिन काम करते करते समय लगता है। अब प्रशासन स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहता है और वो हमारे को, अगर हम नहीं लेते हैं तो वो कहीं कहीं हमारे ऊपर भी एक उस तरह की बात आती है, तो नहीं, तो आप उसमें जो भी प्रशासन की अपेक्षा है ना, उसके अनुसार पहले आप देखिए कि आपके लिए क्या योजना बनती है, तो आप प्रशासन को बात रख दीजिए, बट हाँ एक समय सीमा में तो इसको पूरा करना होगा। तो प्रशासन इस पर गंभीर है कि नहीं नॉनवेज अलाउ नहीं करना है, तो फिर आप इसी क्लैरिटी के साथ बच्चों को हॉस्टल में रखिए कि भाई अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो ये नियम होंगे, और उनसे अग्रीमेंट साइन करा लीजिए, अंडरटेकिंग ले लीजिए पहले ही, हॉस्टल में रहते मैं इन नियमों का पालन करूंगा, तो स्पष्ट हो जाता है। तो हमने पहले से उसको एक तरीका बता दिया कि हॉस्टल में रहना है तो ये तरीका होगा, है ना, इतने बजे हॉस्टल खुलेगा, इतने बजे हॉस्टल बंद हो जाएगा, ये खाना पीना होगा, तो पहले अंडरटेकिंग ले लीजिए, ये उसका विज्ञान है। ठीक है भैया, ठीक है, हाँ ठीक है भैया, एक्चुअली ये करना पड़ता फाइनली, पर ये करते थोड़ा लगता है कि कुछ चीजें हम थोपने वाली बात भी हो जाती, समझ बढ़ने तक हमें उसका इंतजार भी करना होता, लेकिन हाँ कॉमन प्लेस है तो वहां पे कुछ नियमों के साथ ही चलना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमें रहने लेना। समूह में जी रहे हैं, है ना, तो हमें दोनों स्तर पे काम करना होता है, तो ऐसा नहीं कि हम अगले व्यक्ति समझने का इंतजार करेंगे। अब कोई व्यक्ति स्मोक कर रहा है, अब वो समझने में समय ले रहा है, बट उसके धुएं से तो दूसरे व्यक्ति के सांस नहीं भैया, एक्चुअली स्मोक और ड्रिंक की बात आती है तो सभी लोगों के बैठा ये है कि गलत है, बच्चों में भी ये होता है, चाहे वो कर भी रहे हैं तो उसको गलत मानते हैं, तो क्या करेंगे या कैसे भी करेंगे उस पे तो एक्शन होता है। आप एक नियम तो बनाते हैं ना कि भाई स्मोकिंग नहीं होगा, ये पब्लिक प्लेस, आप कमरे में बैठ के भले ही कर रहे हो, तो बच्चे उसको सिखाते भी, क्योंकि एक व्यक्ति के स्मोक करने से दूसरे व्यक्ति को हानि हो रही है, वैसे एक व्यक्ति के नॉनवेज खाने से, है ना, पशु पक्षियों को हानि हो रही है, ये अगर हमको दिखाई दे तो हम ये बात बनाकर निश्चित करके उसका अंडरटेकिंग ले सकते हैं बच्चों से, और उसको हम एक मतलब गलती के रूप में स्वीकार सकते हैं पूरे हॉस्टल में, पहले ही इसको क्लैरिफाई कर दें। बहुत सारे हॉस्टल में नॉन वेज अलाउ होता होगा, है ना, होता ही है, लोग खाते ही हैं, होटल में खा ही रहे, तो आप अलग से कोई नियम बनाएंगे भी और उसको बाद में जाकर उस पर डिस्कशन करेंगे तो लंबा डिस्कशन शुरू हो जाएगा, पहले ही बच्चों से कहकर इसको तय कर लीजिए और कहिए कि इसी शर्त पे आपको हॉस्टल में रहने को मिलेगा। जी भैया, ठीक है, थैंक यू भैया। नमस्ते कुमार भैया जी। नमस्ते, तो नमस्ते, वो मेरे एक भैया हैं, उनके बच्चे भी ना हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, तो एक बार ऐसा हुआ कि उनके हॉस्टल में उनको पनिशमेंट दी गई, अच्छे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, मतलब जहाँ ये जीवन विद्या का पूरा अध्ययन भी होता है, सब होता है, वहां पर वो पढ़ रहे हैं, तो उनका फोन आया मेरे पास, वो कहने लगे कि दीदी भैया बच्चों में ना, रखिएगा दीदी संक्षेप में जो मूल बात है वो रख दीजिए। ओके ओके, तो उन्होंने बताया कि बच्चों, मैंने भैया से यही कहा, मैंने कहा ठीक है उनको जो भी पनिशमेंट मिली है वो तो मिलेगी हॉस्टल के नियम, मैंने कहा आप उनको एक मैसेज कर दीजिए कि भैया जो भी आप पनिशमेंट दे रहे हैं उस पनिशमेंट से हमें कोई ऐतराज नहीं है,
लेकिन उस पनिशमेंट के साथ ये भी आप ध्यान रखिएगा कि बच्चों के अंदर ये मैसेज ना चला जाए कि यहाँ पर कोई मेरा अपना नहीं है। उनका जो स्कूल का लॉस हो रहा है, जैसे उनको स्कूल जाने से रोक दिया गया था 15 दिन के लिए, उनका जो स्कूल का लॉस हो रहा है, पढ़ाई का लॉस हो रहा है, उसके लिए वो उसके उन बच्चों से बात करते रहे कि उसके लिए हम लोग खड़े हैं, और बॉयज गर्ल्स जो हॉस्टल में है वो भी आपकी मदद करेंगे। केवल ये पनिशमेंट आपको इसलिए दी गई है क्योंकि आपने इस रूल का पालन नहीं किया है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब आपका हित नहीं चाहते, हम सब आपका अच्छा नहीं चाहते। तो यही है कि हम पनिशमेंट देते हैं ऐसे माहौल में, एडमिनिस्ट्रेशन में रह के बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन उसके साथ हम उनको ये भी सब सूचित करते रहे कि भाव रूप में हम उनके साथ बने हुए हैं, बस ये गलती करी है उन्होंने और ये गलती आगे ना फैले, इसके लिए उनको प्रतिबंधित किया जा रहा है। तो अगर बच्चों में ये दोनों मैसेज बराबर जाते रहेंगे तो बच्चा जो एडमिनिस्ट्रेटर है या जो टीचर है या वार्डन है उसके विरोध में नहीं जाएगा, ये कहना था बस मुझे। जी जी ठीक बात है। सर नमस्ते। नमस्ते सर, कल जो प्रश्न था कि फैमिली में हम लोग कैसे इस ज्ञान व्यवस्था को बढ़ाएं, तो उसमें कल सारा दिन ऐसे कंट्राडिक्शन चलते रहे, तो उसमें एक चीज मेरे को जो समझ आ रही है कि ज्ञान विधि से हम अपने परिवार में जो बच्चे हैं उनके व्यवहार में न्याय पूर्वक करुणा का भाव पैदा करने की भागीदारी निभाएं। इसी से ही मेरे को ऐसे लगता है कि हम इस प्रॉब्लम से प्रॉब्लम का हल, इस समस्या का हल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम दूसरे को कैसे फुलफिल कर पाए। जहां तक मेरा सारा दिन जो विचार चला उसमें यही आ रहा है कि मेरे को ही भागीदारी निभानी पड़ेगी उनकी न्यायपूर्वक करुणा का भाव पैदा करने के लिए, कि ज्ञान व्यवस्था में उनके जो व्यवहार हैं और उनकी व्यवस्था कैसे वो एक क्रियाशील हो सके और चैतन्य भी उनका अवेयर हो। बस यही सर मेरे को एक आंसर देना था, क्योंकि कल बहुत ज्यादा इस बात में मेरे सारा दिन इसी क्वेश्चन को लेके आंसर सॉल्व करने में लग गया। बढ़िया बढ़िया जी सर, मेरे को बस यही है कि फैमिली में अगर हम अपने बच्चों और फिर दूसरे के बच्चों, जैसे मेरा बच्चा दूसरे का बच्चा भी वैसे ही है, तो उसमें भी मेरे को यही न्यायपूर्वक करना का भाव पैदा करना, तो ये जो जिम्मेदारी आती है तो ऐसे लगता है कि ये जिम्मेदारी व्यवहार में हमारे साथ बहुत एक क्रियाशीलता और पहचान में बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है सर, ये प्रस्ताव और ये प्रोग्राम बहुत जरूरी है सर, बस यही मेरे को एक बोलना था। बढ़िया बढ़िया दीदी। तो व्यवहार के विज्ञान को विस्तार से देखें तो हमारा व्यवहार ऐसा हो जिसे न्याय सुनिश्चित हो, तो न्याय को जब सुनिश्चित करने जाते हैं तो संबंध की पहचान होना, उसका निर्वाह होना, उसका सही मूल्यांकन होना और उससे उभय सुख घटित होना, ये चारों बातें उसमें शामिल है। तो संबंध की पहचान करने जाते हैं तो ये 9 भाव दिखाई देते हैं, इन भावों पर उन्होंने चर्चा की, इनके जो शिष्ट मूल्य हैं उस पर विस्तार से चर्चा की। तो ये जो न्याय की हमारे अंदर योग्यता बनती है न्यायपूर्वक जीने की, ये फैलती है ना, जैसे जैसे हम न्याय में प्रवृत्त होते हैं वैसे संबंध का भाव भी हमारे अंदर परिमार्जित होता है। ये 2-4 लोग का जो संबंध देखते हैं बाकी हमारे लिए अपरिचित हो जाते हैं समाज में, ऐसा नहीं, हर व्यक्ति के साथ हमको संबंध दिखाई देता है। हम कहीं लाइन में खड़े हैं वहां भी हमको न्याय दिखाई देता है, सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं वहां भी हमको न्याय का स्कोप दिखाई देता है कि यहाँ न्यायपूर्वक कैसे गाड़ी चलाई जाए, कैसे मेरे गाड़ी चलाने से दूसरों को परेशानी ना हो, मेरे लाइन में खड़े होने से दूसरों को परेशानी ना हो, है ना, मैं सड़क में निकल कर टहल भी रहा हूँ तो भी उससे दूसरों को परेशानी ना हो, ताकि हम एक दूसरे के सुख में भागीदार बने रहे कि नहीं। तो ये जो हमारे अंदर न्याय पूर्वक जीने की योग्यता बनती है ये हर संबंध में जाता है। अगर हमारे सामने क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं उनके साथ न्याय कैसे हो, जो मेरे साथ पढ़ाने वाले दूसरे फैकल्टी हैं उनके साथ न्याय कैसे हो, जो मैनेजमेंट है उनके साथ न्याय कैसे हो, व्यक्ति का कॉम्पिटेंस चाहे कम हो ज्यादा हो अल्टीमेटली मेरी भागीदारी इस अर्थ में होगी कि उसका कॉम्पिटेंस और बढ़े, उसका कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए मैं अपने कॉम्पिटेंस को बढ़ाऊंगा,
इस प्रकार से आप पाएंगे कि ये अपने कल्पनाशीलता में ही हमारे अंदर अखंडता एक अनिवार्य भाग बन जाता है, हमारे संबंध को लेकर जो भी हम विचार करते हैं, है ना, न्याय उसका एक अनिवार्य भाग बन जाता है कि न्यायपूर्वक ही विचार करना है। जब मूल्य हमारे अंदर स्थापित होते हैं, जब सही का ज्ञान होता है, तो न्याय धर्म सत्य के दृष्टि के साथ ही हम फिर विचार करते हैं, तो न्याय तो उसका एक अनिवार्य भाग बनेगा ही। तो संबंध है, ये तो पहले से हमें दिखाई दे रहा है कि संबंध है, बस हमें उसको ठीक से पहचानना है। और संबंध मैं का मैं से है, और जो संबंध का आधार है वो भाव है, और भाव भी मैं में होते हैं, एक दूसरे मैं में होते हैं, शरीर में नहीं, और इनकी एक निश्चित पहचान है। उसका आधार जो है वो विश्वास का भाव है, पूर्ण मूल्य जो है वो प्रेम है। इनको हम ठीक ठीक समझ सकते हैं, इनको ठीक ठीक समझा जा सकता है, इसको ठीक ठीक जिया जा सकता है। तो जब हम इसको समझ पाते हैं, जी पाते हैं, हम संबंध को स्वीकारते हैं, इसी आधार पर स्वीकारते हैं, फिर हम उसको शेयर करते हैं, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं, है ना, जिससे उभय सुख सुनिश्चित होता है। तो उभय सुख सुनिश्चित करने क्रम में एक तो ये आवश्यक है कि मेरे अंदर सही समझ सही भाव हो, तो मैं सही समझ सही भाव के आधार पर स्वयं में सुखी बना रहता हूँ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अभी मैं व्यवहार कर रहा होता हूँ, जनरली कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं सुखी होने के लिए व्यवहार करता हूँ। मैंने अगले को नमस्ते किया तो ये आशा बनी रहती है कोई मुझे नमस्ते करे, नहीं नमस्ते किया तो हम आहत हो गए, ठीक है ना, बुरा लग गया। तो यानी हम दूसरे से सुखी होने के लिए फिर नमस्ते कर रहे हैं। बट जब हमारे अंदर सही समय सही भाव स्थापित होता है, तो हम सुखी होकर नमस्ते करते हैं, और फिर दूसरे के व्यवहार को देखकर दूसरे की स्थिति का आकलन करते हैं। हो सकता है दूसरा किसी उलझन में है, परेशानी में है ना, इससे नमस्ते नहीं कर पाया, भूल गया, या फिर है ना कई विरोध का भाव बन गया मेरे प्रति, इसलिए नमस्ते नहीं किया मेरे कहने के बावजूद। तो ये सारा भाव हमारे तैयार होता है जब हमारे अंदर सही समझ होती है, अन्यथा हम रिएक्शन में आ जाते हैं। तो मैं अपने अंदर सही समझ सही भाव के आधार पर अपने आप में सुखी बना रहता हूँ, उसी सुख को शेयर करता हूँ। तो व्यवहार भी एसेंशियली देखें तो क्या है, मेरे अंदर जो सुख बना हुआ है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ दूसरों के साथ कि नहीं। और जब मैं ऐसा करता हूँ तो फिर मैं दूसरे के अंदर भी सही समझ सही भाव को इंश्योर कर पाता हूँ, और उसका सही से मूल्यांकन कर पाता हूँ, और इससे उभय सुख सुनिश्चित होता है। तो हमको ये भी दिखाई दे कि मेरे लिए भी सुख का मतलब क्या हुआ कि स्वयं में ज्ञान समाधान सुनिश्चित करना, अगले के सुख का मतलब भी क्या हुआ, अगले में ज्ञान समाधान सुनिश्चित करना। तो इसी अर्थ में हर क्षण हम क्रियाशील रहते हैं, तो इससे हमारा जो व्यवहार की योग्यता है वो फैलती है। तो एक संबंध से अनेक, अनेक से हर एक संबंध में हम इसी अर्थ में भागीदार होते हैं, और हम अखंड समाज में भागीदार होते हैं। जी, तो प्रेम का जो मतलब है वो ये है कि मुझे दिख जाए कि अस्तित्व सहअस्तित्व है, और हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। मानव भी एक इकाई है, मानव स्वयं में सही को ही स्वीकारता है, सही करना चाहता है, सही जीना चाहता है, जितना समझ पाता है उतना जी पाता है। तो ये स्पष्टता मेरे अंदर बनती है तो मेरे अंदर हर एक के प्रति संबंध का भाव बना ही रहता है। तो जो बात हो रही थी कि संबंध व्यवस्था से अस्तित्व, चिंतन में संबंध की स्पष्टता बनी, बोध में व्यवस्था की स्पष्टता बनी, और अनुभव में सहअस्तित्व दिखा। तो इसके आधार पर जब मैं अब मानव के साथ संबंध को देखता हूँ अनुभव की जागृति के साथ, तो हर एक मानव के साथ संबंध दिखाई देता है, और वो फैलता है प्रकृति की हर इकाई तक फैलता है। तो हर एक को संबंधी के रूप में स्वीकारने का भाव, पूर्णता में रत होना, हर एक के साथ संबंध में निहित रस की अनुभूति करना, और ये मेरे अंदर बना ही रहता है। नमस्ते भैया। जी नमस्ते भैया, मुझे इसी कॉन्टेक्स्ट में भी पूछना था कि जो अखंड समाज है ये मेरे अंदर होना है या बाहर होना है, जैसे मतलब मैं सभी को अपना मानूं, है ना, या अनन्यता का भाव स्थापित हो जाए, तो अखंड समाज तो बाहर तो हुआ नहीं, फिर तो मेरे अंदर हुआ। पहले तो मुझे इसमें क्लियरिटी समझनी है कि सभी लोग समझदार हो जाएंगे तब अखंड समाज होगा, या मैं समझदार हो जाऊंगा तो अखंड समाज होगा। देखिए, मेरे अंदर अखंडता का भाव होगा, ये मेरे अंदर है ना, मेरे समझ भाव से निश्चित हो जाता है कि मेरे अंदर तो अखंडता का भाव होता है,
मेरे अंदर हर विचार अखंडता के अर्थ में होता है, वही मेरे व्यवहार में जाता है, वही मेरे निर्वाह में जा रहा है। ठीक, फल परिणाम में बहुत सारी चीजों का योग संयोग है, तो मेरी जो भागीदारी होगी अखंडता के अर्थ में होगी। तो एक बात तो ये कि मेरे अंदर जो विज्ञान तैयार होता है अखंडता के अर्थ में होता है, जो कल्पनाशीलता में चलता है। दूसरा, जो मैं व्यवहार करता हूँ दूसरे मनुष्य के साथ अखंडता के अर्थ में करता हूँ। और ये तीसरी बात है कि समाज में अखंडता स्थापित होगी, इसमें सिर्फ मेरा व्यवहार नहीं, कई मनुष्यों का व्यवहार, कई सारी बातें इसमें शामिल है। तो वो तो एक फल परिणाम के रूप में है, बट उसकी अनुकूलता बन जाती है, उसका एक आधार बनने लगता है। तो वो जब सभी के अंदर एक प्रकार की योग्यता बनेगी तब समाज में अखंडता होगी, परंतु मेरी भागीदारी इसी क्षण से निश्चित हो जाती है ना, मेरी कल्पनाशीलता इसी क्षण से निश्चित हो जाती है, ऐसा है। ठीक है भैया। तो अब भैया इसी की तरह एक प्रश्न ये भी आएगा कि उभय सुख जो है वो भी फिर कैसे होगा, जब तक दोनों समझदार नहीं होंगे उभय सुख भी नहीं होगा। हाँ, तो उसमें ये हो सकता है कि मेरी भागीदारी तो उभय सुख के अर्थ में है ना, अगला उसका मूल्यांकन नहीं कर पा रहा अभी, बट यदि मेरी ये भागीदारी उभय सुख के अर्थ में, तो जब भी मूल्यांकन करेगा उसको सुख मिलेगा। ठीक है, अभी नहीं योग्यता, अभी नहीं समझ पाया, जैसे हमने किसी के कोई सार्थक बात कही और वो मेरी बात से इरिटेट हो गया, तो सुखी तो नहीं हुआ मेरी बात को सुनकर, बट जब भी इत्मीनान से बैठ के मेरी बात पे विचार करेगा उसको उसका सुख मिलेगा, क्योंकि समाधान दिखेगा। ठीक है भैया। तो अब अखंड समाज और न्याय को ध्यान में रख, वो उभय सुख को ध्यान में रखते हुए न्याय प्रमाणित हुआ ये कैसे होगा? ये तो जब तक हमारे आसपास के लोग भी नहीं हो जाएंगे समझदार तब तक तो न्याय प्रमाणित नहीं होगा। मेरे अंदर अगर मूल्यों का साक्षात्कार हो भी गया है तो बात तो वही रही ना, न्याय तो प्रमाणित तभी होगा जब मेरे आसपास या जिनसे मेरा है वो सारे ही लोग समझदार हो जाए। इसको थोड़ा समझाएं भैया। देखिए, न्याय प्रमाणित होने में दो भाग है, न्याय में जो मेरी भागीदारी है वो तो मेरे में प्रमाणित हो जाती है, मैं ये देखता हूँ कि मैंने जो विचार किया वो तो न्याय के अर्थ में ही किया, मैंने जो व्यवहार किया वो तो न्याय के अर्थ में ही किया, तो मुझे तो स्वयं में प्रमाण दिखता है कि हाँ मेरे अंदर एक क्षण भी किसी को दुखी करने का भाव नहीं होता, एक क्षण भी किसी को है ना किसी पर रिएक्शन का भाव नहीं होता है ना, ये तो मुझे प्रमाण अपने आप में मिल रहा होता है। न्याय के अगर दूसरे पक्ष में प्रमाणित होने की बात करें तो जब उसको ये दिखाई देगा तो प्रमाणित होगा, तो भले उसमें ज्ञान सुनिश्चित नहीं हुआ है परंतु उसको मेरे व्यवहार की स्वीकृति हुई, मेरा प्रस्ताव सही विधि से पहुंचा, उसको दिखाई दी बात, उस क्षण तो उतनी बात तो दिखाई दी, उसमें न्याय प्रमाणित हुआ। परंतु अच्छा, उसकी निरंतरता बनेगी जब उसके अंदर भी सही समझ सही भाव पूर्णता में होगा, निरंतरता। ठीक है भैया। तो मतलब कंक्लूजिवली मैं यही बस समझना ये चाहता था कि फिर मेरा कार्यक्रम ये होगा कि मैं समझूं और जो आप बार बार कह रहे हैं और दूसरे को समझाने का प्रपोजल के रूप में या बात कहते रहे, यही यही है कार्यक्रम। हाँ, मतलब मूल कार्यक्रम इतना ही है, बट उसके अर्थ में फिर हम बहुत सारी योजनाएं भी बनाएंगे। हाँ, वो तो है, योजनाएं बनाएंगे, जैसे हम कॉलेज में कोई समस्या है, हम किसी का कोई बात कह भी रहे हैं और नहीं समझ पा रहा उसको, नहीं स्वीकार पा रहा, तो वो दिखता है कि अब ये पूरा इसका जो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव जब तक इसके अंदर नहीं बनेगा, एक समग्र दृष्टि नहीं बनेगी, जब तक मेरी बात को समझ में आएगी नहीं। अब वो व्यक्ति अगर एक बार वर्कशॉप से गुजर जाता है, अब हम वही बात कहते हैं, उसके बाद स्पष्ट होती है, क्योंकि हमने उसके जीने के बहुत छोटे भाग पे बात किया। भैया, जैसे हमने कहा कि आप बच्चों से है ना अगर ऐसे बात करें तो बच्चे रिएक्टिव होंगे, आप देखिए कोई और विधि हो सकती है क्या, अब उसको लगता है ये हमारे काम में क्यों टांग अड़ा रहे हैं, हम बच्चों से जैसे ही बात करें। प्रस्ताव तो हमने सही रखा, उनको नहीं समझ में आया, बट वो एक बार वर्कशॉप से गुजर गए और उनको दिखाई दिया, पूरी एक समग्र दृष्टि बनी। अब जब हम यही बात कहते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं, हाँ ठीक बात कह रहे हैं आप, तो हम उसके अर्थ में पूरी योजना बनाएंगे। जी बिल्कुल ठीक बात है भैया, मैंने अपने परिवार में ये पत्नी के साथ मैंने ऐसा करके देखा है, तो उनको भी ये सेशन कराए तो काफी फायदा रहा। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। बढ़िया भैया। तो ये एक से शुरू होता है जहाँ हम सहस्तित्व को देख पाते हैं मानव के साथ, स्नेह के भाव के साथ, फिर अनेक तक जाता है, फिर हरेक के साथ दिखाई देता है ना, और फिर मुझे हर इकाई के साथ दिखाई देता है, चैतन्य हो या जड़ हो, एक संबंध दिखाई देता है। तो संबंध के चिंतन की पूर्णता के साथ मुझे हर इकाई के साथ संबंध का भाव दिखाई देता है, एक से अनेक, अनेक से हरेक को संबंधी के रूप में स्वीकारना, और यही जब हमारे एक्सप्रेशन में जाता है तो दया कृपा करुणा के अर्थ में दिखाई देता है, और जिनके साथ भी हम संपर्क में आते हैं उनसे उनका निर्वाह होता है। तो ये जो प्रेम का भाव है ये अखंड समाज का आधार है।
इस पे हम थोड़ा सा और अपने आप में देखें और इसमें अपने जांच परख को करें कि अभी हमारे भाव में अनन्यता कितनी स्थापित हो पाई है, कितना अभी हम अन्य मान के जी रहे हैं, और क्या समस्या है, क्यों हम अभी अन्य मान रहे हैं, अनन्य नहीं देख पा रहे, प्रेम का भाव स्थापित नहीं हो पा रहा, क्यों संबंध में भेद दिखाई दे रहा है, क्यों संबंध में खंड दिखाई दे रहा है, इसको अपने आप में हम जांचे परखे। जी दीदी, तो उसी अर्थ में इन सारे भावों पर उन्होंने चर्चा की थी। प्रेम पूर्ण मूल्य है जहाँ हम हरेक के साथ संबंध में निहित रस को, भाव को देख पाते हैं। विश्वास आधार मूल्य है, और अभी हम देख ही रहे कि विश्वास के भाव पे ही काम करने में कितना समय लग रहा है। इस बात को सहज रूप से अपने आप में देख पाना कि दूसरा मुझे सुखी ही करना चाहता है, उस बात को देखने में उनको समय लग रहा है। तो बट अच्छी बात है कि जितना जितना उसमें समय लगाते हैं हमारे आगे भी योग्यता बनती है। तो विश्वास के भाव पे भी जब हम निष्ठापूर्वक काम कर रहे होते हैं तो प्रेम की योग्यता बनती है, सम्मान की योग्यता बनती है, स्नेह की योग्यता बनती है। तो विश्वास आधार में है, विश्वास के मूल्य पे काम करते करते ये हम बाकी मूल्यों में भी प्रवृत्त होने लगते हैं, और किसी पॉइंट पे हमको दिख जाती है चीजें कि नहीं, तो हम इस कंप्लीट वैल्यू को देख पाते हैं, उसमें जी पाते हैं। तो जो बाकी भाव हैं या तो दिखेगा कि अल्टीमेटली ये प्रेम के भाव के ही एक्सप्रेशन है। जैसे मैं जब हरेक के साथ संबंध को देख पा रहा हूँ, है ना, तो मुझे तो दिख ही रहा है ना कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, और मैं जब संबंध के भाव को देखता हूँ तो मैं इसका मूल्यांकन भी करता हूँ कि दूसरे में कितनी समझ अभी स्थापित हुई है, उसकी योग्यता की स्थिति क्या है, और जब ये देखता हूँ तो मैं उसके साथ स्नेह के भाव को भी अपने आप में देख पाता हूँ कि जैसा भी निर्वाह कर रहा है संबंधी है, आज परेशान है, नाराज है, गुस्से में है, या ऐसा कोई गलत संस्कार हो गया है इसलिए मेरे साथ ठीक निर्वाह नहीं कर रहा है, या समाज के दूसरे लोगों का ठीक निर्वाह नहीं कर रहा है, बट है तो संबंधी। तो अल्टीमेटली ये जो आठ भाव हैं ये भी आप दिखाई देंगे तो आप पाएंगे कि प्रेम के भाव के पहुंचने तक के क्रम में जुड़े होते हैं, और प्रेम की ही अभिव्यक्ति है ये। प्रेम के भाव में जाकर सारे भाव और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो जब हमारे अंदर सही भाव स्थापित होता है तो एक तरह की स्थिति बनती है, बट वो सही भाव मेरे में स्थापित ना हो और मैं दूसरों से अपेक्षाएं लगा के रखूं तो दूसरे तरह की स्थिति बनती है। तो मेरे अंदर सही समझ होती है संबंध का, व्यवस्था का, है ना, अस्तित्व का ज्ञान होता है तो हमें दिखता भी है कि हाँ ऐसा है, मुझे मुझे दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और ये कल्पनाशीलता के लिए इससे गाइडेंस मिलता रहता है। तो मेरे अंदर हर क्षण सही भाव बना रहता है, इससे मैं सुखी रहता हूँ, अपने आप में आराम में रहता हूँ, और मेरे आचरण की निश्चितता रहती है उससे। तो उसमें मेरे भाव में निश्चितता होती है, सुख की निरंतरता होती है, संबंध की अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस बनी रहती है। और ये जो हमारे अंदर कल्पनाशीलता में समझ के आधार पर भाव निश्चित हुआ और भाव के आधार पर विचार निश्चित हुआ, ये परस्परता में एक प्रभाव के रूप में जाता है, ये हमारा गुण बन जाता है। तो स्वभाव तो मेरे में निश्चित है भले मैं उसका चिंतन नहीं कर पा रहा था, धर्म मेरे में निश्चित है भले मैं उसका बोध नहीं निश्चित कर पा रहा था, अस्तित्व में मैं हूँ ही। अब जब उनको मैं देख पाया तो मेरे गुण भी इसी अर्थ में परिभाषित होते हैं। तो परस्परता में जो प्रभाव बनता है इसी आधार पर बनता है कि नहीं। तो हम दूसरों पे सुखी होने के बजाय स्वयं में इस भाव के आधार पर मैं सुखी रहता हूँ और उसको मैं शेयर करता रहता हूँ, इस प्रकार से मैं अपने आप में हर क्षण व्यवस्थित रहता हूँ, स्वतंत्र रहता हूँ। बट यदि ये काम न करें, अगर हमारे अंदर ज्ञान सुनिश्चित ना हो, विवेक सुनिश्चित ना हो, और फिर हम दूसरों के साथ निर्वाह भी कर रहे हैं तो हमें दिखता है कि हमारे भाव की निश्चितता नहीं होती, उतार चढ़ाव लगा रहता है, किसी ने हमारे अनुकूल कोई व्यवहार कर दिया, अरे मेरा बड़ा अपना है, इससे तो मैं अपने अंदर की हर बात कह सकता हूँ, और अनुकूल व्यवहार नहीं किया है ना, इसकी तरफ देखने का मन भी नहीं होता। अब ये सब उतार चढ़ाव लगा रहता है हमारे अंदर, तो फ्लक्चुएशन लगे रहते हैं। तो अगर दूसरा हमारे अनुकूल का व्यवहार करता है हमसे एक्साइटेड हो जाते हैं उस पर, और अगर प्रतिकूल करता है हम डिप्रेस हो जाते हैं उसके व्यवहार से, हैप्पी अनहैप्पी का साइकिल लगा रहता है। तो अगर हमारे में ये उतार चढ़ाव हो रहा है संबंध में भाव को लेकर, तो निश्चित है कि हमें समझ स्थापित नहीं हुआ, ये इंडिकेटर है उसका। और ये भी दिख रहा है कि हम अल्टीमेटली परतंत्र हैं, क्योंकि तो दूसरे से कोई भाव पाकर सुखी होने में लगे हुए, जब मिलता है तो सुखी होता हूँ, नहीं मिलता है दुखी होता हूँ, जब नहीं मिल रहा है तो उसको पाने के लिए भगदड़ करता हूँ, मैं भागता हूँ। अभी देखिए दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कितना सारा कुछ किया जा रहा है,
कोई मेरे कपड़े को देख के मेरी ओर ध्यान दे दे, इस तरह सम्मान दे दे, मेरे गाड़ी को देखकर, मेरे शरीर को है ना, रूप को देखकर, दूसरा हमें किसी तरह ध्यान दे दे, हमारा सम्मान कर दे। उसके लिए हम इतना सारा योजना कार्यक्रम बनाते हैं, उसके लिए संग्रह करते हैं, भोग करते हैं, उसके लिए समाज का शोषण करते हैं, प्रकृति का दोहन करते हैं, ताकि दूसरी ओर मेरी ओर ध्यान दे दे। अब अगर थोड़ा सा शिफ्ट मिल जाए इसमें कि नहीं, दूसरी मेरी ओर ध्यान दे ये मुख्य मुद्दा नहीं है, मेरे अंदर सम्मान का भाव स्थापित हो ये मुद्दा है, तो मैं उसके साथ सहज बना रहता हूँ, सहज बना रहता हूँ, तो ये प्रतंत्रता की स्थिति है जो दाई तरफ लिखा है, और स्वतंत्रता की स्थिति है जो बाई तरफ लिखा है। जी, तो संबंध में सही भाव स्थापित होता है सही समझ के आधार पर, और जब हमारे में सही भाव होता है, हम लोगों ने अभ्यास एक में से विस्तार से चर्चा भी की थी, तो हमारे एक्टिविटीज में हार्मनी बनी रहती है। यानी ब्लॉक बी वन ब्लॉक बी टू गाइड कर रहा है, तो जब हमने डायग्राम देखा था, अनुभव से प्रमाण, प्रमाण से बोध की पूर्णता, बोध की पूर्णता संकल्प की पूर्णता, संकल्प की पूर्णता से चिंतन की पूर्णता, चिंतन की पूर्णता से चित्रण की पूर्णता, चित्रण की पूर्णता से तुलन की पूर्णता, तुलन की पूर्णता से विश्लेषण की पूर्णता, विश्लेषण की पूर्णता से आस्वादन में निरंतर सुख का आस्वादन, उसमें पूर्णता, उसी आधार पर मेरे आचरण की निश्चितता, उसमें पूर्णता, चयन की पूर्णता, ये पूरा क्रम दिखाई देता है ना। इसको कहा हार्मनी इन द एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ, मेरी क्रियाओं में लय सामंजस्य, तो व्यवहार में जाएगा ही है ना। और जब मैं दूसरे के साथ ये व्यवहार करता हूँ तो दूसरा भी उसको मूल्यांकित करता है, उसका आस्वादन करता है, और फिर वो भी सुखी होता है। जी, प्रेम और विश्वास के भाव को देखें तो प्रेम मुझे पूर्ण मूल्य के रूप में दिखाई देता है, और उसके साथ ही भावों की पूर्णता होती है, और भाव इस भाव के साथ, प्रेम के भाव के साथ मैं इसको जब शेयर करता हूँ दूसरे मनुष्यों के साथ जैसी आवश्यकता होती है, तो दूसरा भी उसे सुखी होता है। तो हमें ये भी दिखता है कि अल्टीमेटली ये जो बाकी भाव है ये प्रेम के भाव के ही प्रकटन है। इनफैक्ट ये सारे भाव सहस्तित्व का प्रकटन है, उसी सहस्तित्व के प्रकटन में प्रेम का भाव है, और प्रेम के भाव के प्रकटन में बाकी 8 भाव है। बट हम जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, है ना, अनुभव की ओर जा रहे हैं, तो हम तो विश्वास के भाव से शुरुआत करते हैं, तो हमने उसको आधार मूल्य के रूप में स्वीकारा है, क्योंकि जब तक हमें दिखता नहीं है कि दूसरा मुझे अनकंडीशनली सुखी ही करना चाहता है, कर पाए न कर पाए अलग बात है, तब तक मेरे अंदर बाकी भावों को देखने का निर्णय भी नहीं हो पाता, मैं उसकी योग्यता का ठीक ठीक आकलन भी नहीं कर पाता, क्योंकि चाहने पर शंका हो गई है। अगर मुझे लगे कि दूसरा को दुखी करना चाहता है, उसमें जो भी योग्यता होगी मैं उसको अंडरमाइन करूंगा, उसके अंदर कोई अच्छी गुण मैं देख ही नहीं पाऊंगा कि नहीं, इसलिए विश्वास को आधार कहा। और जब ये होता है तभी मेरे अंदर स्नेह का भाव होता है, संबंध की स्वीकृति होती है, चाहे जो भी परिस्थिति हो, और वो जो सामने वाला व्यक्ति है, चूंकि प्रेम विश्वास का भाव मुझे हरेक के प्रति दिखाई देता है, तो व्यक्ति हमसे परिचित हो अपरिचित हो, घर का हो बाहर का हो, मेरे पक्ष में विचार करता हूँ मेरे विपक्ष में विचार करता हूँ, जैसा भी हो, उन सब के साथ मुझे ये भाव बना रहता है। और ये जो भाव है ना, इसकी आवश्यकता तो हमें हर व्यक्ति के साथ दिखाई देती है, हर परिस्थिति में दिखाई देती है। ये हम पक्ष विपक्ष में इसलिए बैठ गए हैं, इसलिए विरोध बन गया, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास के भाव के साथ निर्वाह नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं हमको उसके चाहना पर शंका बन जाती है, इसलिए हम विरोध में आ जाते हैं। तो व्यवहार के विज्ञान की बात करें, इतनी सारी बातें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो कल्पनाशीलता में मूल्य के चिंतन के साथ हमारा पूरा विज्ञान इस तरह से दिखाई देता है व्यवहार करते हैं। जी, स्नेह का मतलब है कि जब मैं कुछ मनुष्यों के साथ संबंध को देख पाता हूँ तो स्नेह का, मैं हरेक के साथ देख पाता हूँ तो प्रेम का। तो इसके आधार पर अगर हम अपने आप में देखें कि क्या रिफ्लेक्शन के लिए अवसर है अपने पास, तो हमने देखा है कि जो विज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान भी है, कार्य का विज्ञान भी है, भागीदारी का विज्ञान भी है। बट अभी जिस रूप में विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं, ये हम देखेंगे क्या हम तीनों की बात करते हैं, या सिर्फ हम सुविधाओं को लेकर कुछ सूचनाएं जुटाते हैं, उसमें शोध करते हैं, उतने को विज्ञान कहते हैं। तो अभी हो सकता है कि जिसको अभी हम विज्ञान कर रहे हैं वो तो जड़ वस्तुओं के रूप और गुण, उनका जो हम स्टडी करते हैं उसको विज्ञान कह देते हैं।
नाम है रूप का, जड़ वस्तु का स्वभाव धर्म परम धर्म का पता है, चैतन्य निकाय का पता ही नहीं है, है ना। बट जो एक्सप्रेशन हो रहा है चैतन्य निकाय का शरीर के साथ, उसका स्टडी करते हैं, तो मनोविज्ञान भी कह रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका जो एक्सप्रेशन हो रहा है उससे हम तय कर रहे हैं उसकी स्थिति क्या है, है ना। और फिर हम उसमें जो अभी इस क्षण में जो स्थिति है उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसकी सहज स्वीकृति को नहीं देख पा रहे, ऐसा हो सकता है। जो कार्य के विज्ञान है, बहुत सारा हम भौतिक रासायनिक है ना विज्ञान का अध्ययन करते हैं, उसमें भी हम जड़ वस्तुओं के रूप और गुण का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक, बट उनके स्वभाव को नहीं देख पा रहे और इसलिए उनके साथ अपनी भागीदारी को भी नहीं देख पा रहे। तो ये अपने आप में ऑब्जर्व करने की बात है। तो विज्ञान शब्द तो हम लोग दोनों तरह से प्रयोग कर रहे हैं। अभी जिस अर्थ में विज्ञान शब्द का प्रयोग किया वो तो मानव लक्ष्य की पूर्ति के अर्थ में जो कल्पनाशीलता नियोजित होनी है उसको विज्ञान कह रहे हैं। व्यवहार के विज्ञान में देखें तो भी यहाँ देख सकते हैं कि अल्टीमेटली व्यवहार के विज्ञान में भी हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, समझ संबंध में भाव या सुविधा। तो जैसे हमारे यहाँ कोई अतिथि आ रहे हैं और हमें ये तय करना है कि हमको उनके साथ ठीक से व्यवहार करना है ताकि हमसे व्यवहार में आश्वस्त हो, तो पहले ध्यान किस पे जाएगा हमारा, कि घर को और बढ़िया सजा दो और बढ़िया पका दो कुछ खाने के लिए, इस पे ध्यान जाएगा, या उनके साथ जो हम संवाद करें उसमें सही भाव उन तक पहुंचे। पता चला कि हमने खूब बढ़िया पकवान बनाया, खिलाया पिलाया और बात बात पर कटाक्ष कर रहे हैं, दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, दूसरे घर में अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको इंगित कर रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं एक दूसरे को देखकर, अब ये सब क्या चल रहा है। हमने सुविधाएं तो ढेर सारी जुटा दी, खाने पीने के लिए बहुत सारी सुविधाएं जुटा दी, बैठा दिया महंगे सोफे पे, कमरे को सजा दिया है ना एक महल की तरह, बट जो बात कर रहे हैं उसमें समय समय पर दूसरे को आहत करने के लिए व्यवहार कर रहे हैं। अब ये सब चलता रहता है, निर्वाह में देखें संबंधों में लोग ऐसा करते रहते हैं, तो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी। तो आपको दिखता है कि सुविधा, आप किसी को कितनी भी सुविधा उपलब्ध करा दिया, अगर आप इस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं दूसरे का, तो दूसरा तो आहत हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं रिएक्शन में जाएगा। और हमें ये भी दिखाई दे कि अल्टीमेटली ये तो गलती तो कर ही रहे हैं, समझ का तो मुझ में अभाव है तभी तो ये गलती हो रही है, तो मुझे अपनी समझ पे काम करना है, दूसरे की समझ पे काम करना है, तो प्रायोरिटी भी क्या सेट होगी विज्ञान में, ये भी देखने का मुद्दा है। वैसे भागीदारी के विज्ञान में देखें तो हम ये देख सकते हैं कि परिवार व्यवस्था से विश्व परिवार व्यवस्था तक हमारी भागीदारी किस प्रकार होगी, उसका विज्ञान क्या होगा। जैसे अभी जो शिक्षा व्यवस्था में इंटरवेंशन हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसमें हमारा कोई भागीदारी हो सकता है कि नहीं, और अभी जो शिक्षा चल रही है क्या हमको उसके लिए तैयार कर रही है, उस भागीदारी के लिए, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था भागीदारी के लिए तैयार कर रही है, या खाली सुविधा संग्रह भोग के लिए तैयार कर रही है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि शिक्षा में अभी हमें किस तरह से और काम करना है ताकि शिक्षा मानवीय हो जाए, है ना, शिक्षा के द्वारा समाज में अखंडता स्थापित हो, बच्चों का व्यवहार पे ध्यान जाए। अभी आप देखिए कहने के लिए बड़े बड़े संस्थान होते हैं, बट उनके व्यवहार को आप अगर थोड़ा सा रिकॉर्ड करके सुने, हर वाक्य में कोई ना कोई अपशब्द शामिल है, चार लोग चार दोस्त खड़े हो गए है ना, पांचवे का मजाक उड़ाने लगे, निकनेम रख दिया जो उसके कहीं ना कहीं शरीर से जुड़ा हुआ है या उसके सुविधा से जुड़ा हुआ है या उसके भाषा से जुड़ा हुआ है, निकनेम रख दिया, मजाक उड़ा रहे हैं और कहते हैं बड़ी गहरी दोस्ती हमारी। एक वाक्य भी ऐसा नहीं सुनाई पड़ता जिसमें लगे कि दूसरे के सुख के अर्थ में कोई विचार किया है, और ऐसे ही जीने का ढंग बना लेते हैं, है ना। कहने के लिए बहुत उच्च कोटि के संस्थान होते हैं बट व्यवहार की हालत देखें तो ऐसी रहती है, और इसलिए आगे चलकर हम इस तरह के मानवीय व्यवस्था में भागीदार भी नहीं हो पाते। जी तो कुछ हैंड्स रेज्ड है, ये असाइनमेंट रहा आज के लिए, इसको हम लोग ध्यान से देखें। जी जी भैया नमस्ते। नमस्ते सभी को भैया, बहुत ही बढ़िया चर्चा चल रही है, तो एक छोटा सा मैं अपना ये रखना हूँ या सजेशन आप दे सकते हैं इसमें, तो जो भी हमको बच्चों में मतलब स्टूडेंट्स में परिमार्जन चेंजेस लाने हैं तो इसके लिए आधार जो है, जो आपने बताया मुझे भी बहुत प्यार है, वो प्यार नाम का जो वर्ड है वो विश्वास हमें करना चाहिए। सबसे पहले हम बच्चों पे विश्वास करें या उन्हें विश्वास दिलाए कि नहीं ये आदमी जो हमको बताने जा रहा है ये बहुत सही है। जब तक आपके इसमें विश्वास नहीं होगा वो आपकी बात मानेंगे नहीं, आप चाहे कुछ भी फाइन कर दो। अभी ये देखिए विश्वास का अर्थ ये नहीं है, थोड़ा कम्युनिकेट नहीं हो पाया है, विश्वास का अर्थ ये मानना नहीं है कि आदमी ठीक है, ये तो मानना हुआ, जानना थोड़ी हुआ। विश्वास का मतलब कि हर मनुष्य मुझे सुखी करना चाहता है ये दिखे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा, उसको थोड़ा ध्यान से हम सुने। विश्वास का मतलब हुआ कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, समृद्ध करना चाहता है, ये भाव जो है ना
ये विश्वास है। किसी के बारे में मान लेना कि आदमी हमारे भले के लिए बात कर रहा है, ये विश्वास नहीं है। वो तो फिर एक ही दो लोग कर रहे होंगे, मान लीजिए सभी तो नहीं कर रहे होंगे, जबकि हम कह रहे हैं विश्वास तो हर एक के प्रति होता है। अच्छा, तो भैया वो बच्चे कुछ दिन में हमको जानने भी लगते हैं ना, शुरू के क्लास में, अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, शुरू के क्लास में जब हम जाते हैं तो उन्हें उनका मानना हो जाता है, लेकिन जैसे वो सेमिस्टर भर हमारे साथ रहते हैं तो फिर उनको ये लगने लगता है कि नहीं, ये टीचर ने जो हमको बताया था ये बात हम जान गए कि इसमें हमारा क्या फायदा है। तो धीरे धीरे मतलब प्यार से जो अनडिवाइडेड सोसाइटी बनाने की बात चल रही है अपनी, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा उसमें विश्वास का मानना और जानना दोनों बातें चाहिए। ठीक है भैया? नहीं ठीक है, इसीलिए तो मैं पॉइंट रेज करता हूँ भैया। नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखिए थोड़ा सा वो लिसनिंग है ना, वो कहीं ना कहीं बाधित हो जा रहा है। बिल्कुल, बोलो बोलो। प्यार कह रहे हैं वो बेसिकली स्नेह का भाव हो सकता है, तो हम जब विश्वास के भाव के साथ क्लास के साथ इंटरेक्ट करते हैं, है ना, हमारे अंदर दूसरे के सही मूल्यांकन की ही तत्परता होती है, तो स्नेह का भाव भी दूसरे तक पहुंचता है। और कोई बच्चा क्लास में लेट आया और हम उसे रोक देते हैं कि नहीं, इस समय के बाद क्लास में एंट्री अलाउड नहीं है, उससे भी उसके अंदर रिएक्शन नहीं आता, उसको अपनी गलती समझ में आती है, क्योंकि उसके पहले हमने उसके साथ 10 बार संवाद किया है कि क्लास में समय पे आना क्यों जरूरी है। बिल्कुल जी। तो अगर हमारे अंदर विश्वास का भाव होता है, अगर हम दूसरे का सम्मान करते हैं, है ना, अगर हम भी लेट में आते हैं तो हम भी क्लास में आकर कहते हैं कि हाँ मुझे देरी हो गई, सॉरी आई एम लेट। बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल। तो ये हमारे अंदर जब भाव स्थापित होते हैं तो एक्सप्रेशन में सहज रूप से जाते हैं, वो अनन्यता का भाव बना ही रहता है, वो दूसरे को कम्युनिकेट होता है। इसके लिए मानने की जरूरत नहीं है कुछ, हमको अच्छा माने, हमको बढ़िया माने। जी 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 भैया, जी जी अपन कंटिन्यू करते रहेंगे। धन्यवाद भैया, नमस्ते भैया। जी जी बढ़िया बढ़िया भैया। जो एजुकेशन है, जैसे हम लोग क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 करके ऐसे हम प्रोग्रेस करते हैं अपनी एजुकेशन में, तो उसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट अगर लिया जाए जैसे मैथ्स है या हिस्ट्री है, तो वो आगे आगे वो कंटिन्यूएशन में चलता है, मतलब हम लोग उसी में ही चलते जाते हैं। लेकिन इस ह्यूमन वैल्यूज का तो कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें बचपन में ज्यादा असर होता है बच्चों पे, और उसी को लेके बार 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 अगर हम उसको भी एंड में लेके चलें, एंड तक मतलब अपनी पूरी जिंदगी में, ये तो पूरी जिंदगी का है, तो यही बात रखनी थी भैया मुझे। जी, जैसे मॉरल साइंस है, तो मॉरल साइंस पहले होता था लेकिन वो एक सब्जेक्ट होता था, एक लेट्स से फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में पतली सी किताब होती है बच्चों की, उसके बाद खत्म हो जाती है, उसके बाद वो सब्जेक्ट ही नहीं होता है। जी, आपकी बात स्पष्ट हो गई, मैं बता देता हूँ, तो थोड़ा समय हो चला है। तो देखिए ये तो बिल्कुल आवश्यकता दिखाई दे रही है, और उसके लिए फिर हम अपने आप को तैयार करेंगे, क्योंकि देखिए मूल्य शिक्षा को अगर हमें समावेशित करना है प्राइमरी एजुकेशन से, उसमें बहुत सारा भी काम है करने योग्य, है ना, पुस्तकें लिखनी है, वर्क बुक्स बनने हैं, टीचर्स को डेवलप करना है ना, वैसा वातावरण के लिए काम करना है स्कूल में समय देकर। तो बिल्कुल हम सब लोग इस बात को ध्यान से देखें, है ना, विज्ञान पे अपने आप में काम करें कि कैसे स्कूल में जो एजुकेशन है प्राइमरी से लेकर हायर तक वो मानवीय हो जाए, और उसमें हमारी भागीदारी क्या हो सकती है, हमारा जो भी शेष है जो हमारी आवश्यकता से अधिक है कैसे उसमें लग जाए, समय हो सुविधा हो कैसे उसमें लग जाए कि नहीं। जी भैया